ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एक के बाद एक उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि MIM में सबसे पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में MIM के युवा नेता सैफ पठान कर रहे थे, मगर उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब इसी पार्टी से और भी 6 लोग चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसे में 3 साल तक मुंब्रा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के पद पर रह चुके रविंद्र ताइड़े, जो कलवा मुंब्रा में अच्छी खासी अपनी पकड़ बना चुके हैं और इस बार शिवसेना के टिकट पर कलवा मुंब्रा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। MIM से पूर्व महापौर नईम खान, बरकत शेख उर्फ गुंजन सेठ, नगर सेवक शाह आलम, सैफ पठान, महेंद्र कुमरेकर, इसी तरह से सभी 7 लोग टिकट मांग रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए अब पार्टी किसे मैदान में उतारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि MIM से चुनाव मैदान में नईम खान का नाम सबसे आगे है और इन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं रविंद्र ताइड़े भी शिवसेना से मैदान में है, जो कलवा मुंब्रा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर शिवसेना से उम्मीदवारी नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इस बार की चुनावी दंगल अभी से ही रंग दिखा रही है, जिससे लग रहा है कि इस बार NCP को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में सभी ताल ठोक रहे हैं। NCP की राहें अब आसान नहीं लग रही हैं। MIM, शिवसेना, NCP, ये तीनों में कांटे की जंग हो सकती है, मगर वहीं देखने वाली बात ये होगी कि MIM में जो अभी रेस में सबसे आगे नईम खान चल रहे हैं, क्या उन्हें MIM से टिकट मिलेगा या फिर कोई और ही उम्मीदवार रहेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।